प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3, और एक्सरसाइज 6.3 के लिए हमारा जो टॉपिक है वो है त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ। हमने कक्षा 9 में त्रिभुजों की समरूपता की बजाय त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियाँ, इसके बारे में डिटेल में पढ़ा है। तो अब यहाँ कक्षा 10 में हम त्रिभुजों की समरूपता के लिए जो कसौटियाँ हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं उस नियम की जो हमने एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 में यूज़ किया है। हमने दो त्रिभुजों की समरूपता के लिए क्या नियम पढ़ा है अभी तक। हमने देखा कि दो त्रिभुजें समरूप होंगी, कब होंगी, जब उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। तो दो त्रिभुजों को हम समरूप त्रिभुज कब कहेंगे, जब उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। तो यहाँ पे हमें दो भुजों को अगर समरूप दिखाना है तो उनके कोणों को बराबर दिखाना पड़ेगा और उनकी भुजाओं को समान अनुपात में दिखाना पड़ेगा। यानी कि एक त्रिभुज के 6 भाग का दूसरी त्रिभुज के 6 भाग, कौन कौन से 6 भाग, 3 तो कोण और 3 भुजाएं। यानी कि एक त्रिभुज के 6 भाग दूसरी त्रिभुज के 6 भाग के साथ हमें कंपेयर करना है, कोण बराबर दिखाने हैं और भुजाएं समानुपात में दिखानी है। तो फिर हम क्या, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि त्रिभुजें समरूप हैं या फिर नहीं हैं। यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको देखना है कि अगर एक त्रिभुज दूसरी त्रिभुज के समरूप है, जैसे कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे। हम उसको लिखेंगे त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज का निशान हो गया, त्रिभुज ABC ये समरूप का निशान हो गया, और ये त्रिभुज DEF। तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, तो ये हमारे पास जो निशान है समरूपता का, ये निशान है। इससे पहले हमने सर्वांग समता के निशान के बारे में पढ़ा था। तो सर्वांग समता जो 9वीं क्लास में जो हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए निशान यूज़ किया था वो हमारा ये निशान है। तो ये सर्वांग समता का निशान है। प्यारे बच्चों, एक बात इसमें आपको ध्यान रखनी है कि जैसे दो त्रिभुजें समरूप कब होती हैं, जो पहली त्रिभुज के कोण दूसरी त्रिभुज के कोणों के बराबर हो। मान लो कोण ए, हमारे पास कोण ए कोण डी के बराबर है, कोण बी कोण ई के बराबर है, और कोण सी कोण एफ के बराबर है, और ए बी के बटे में डी ई, बी सी के बटे में ई एफ, और ए सी के बटे में डी एफ, ये बराबर है यानी कि समानुपाती है। तो हम कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। अब देखो कोण ए कोण डी के बराबर है, तो यहाँ पे आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि कोण ए जब कोण डी के बराबर है, तो जब पहले वाली त्रिभुज को लिख रहे हैं तो कोण ए, त्रिभुज ए बी सी, इसको हम समरूप कह रहे हैं त्रिभुज डी ई एफ के। तो देखो डी एफ को कैसे लिखें, ए कोण डी के बराबर था तो पहले डी लिखेंगे, अब बी कोण ई के बराबर था तो ई लिखेंगे, और सी कोण एफ के बराबर था तो एफ लिखेंगे। इसको क्रम से लिखेंगे, आगे पीछे नहीं करेंगे। तो इसे आप, अगर आप इसको क्रम से लिखेंगे तो आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इनको जब भी हम आपको समरूपता के रूप में दो त्रिभुजों को लिखना है तो उनके क्रम से लिखेंगे, उनके जो कोण जिस कोण के बराबर है, तो पहले वाला कोण पहले वाले कोण के बराबर होगा, दूसरे वाला दूसरे के, और तीसरे वाला तीसरे के। इसको क्रम को आप चेंज नहीं करोगे। प्यारे बच्चों, आपको ये बात ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया है, हम अभी तक करते आए हैं कि दो त्रिभुजों को समरूप दिखाने के लिए उनके पहली त्रिभुज के 3 कोण दूसरी त्रिभुज के 3 कोणों के बराबर, और पहली त्रिभुज के की तीनों भुजाएं दूसरी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समानुपाती हों, उनका जो अनुपात है वो समान हो। अब हम यहाँ पे इस अपनी स्टडी को थोड़ा सा रिड्यूस कर रहे हैं, यानी कि 6 भागों की बजाय हम सिर्फ 3 भागों का प्रयोग करके 3 युग्म लेंगे। हम उन तीन युग्म से हम त्रिभुजों की समरूपता के बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से नियम बनते हैं हमारे पास। यहाँ पे
एक नियम है हमारे पास जो कि परिमेय 6.3 के रूप में है। इस परिमेय का जो प्रूफ है हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। इसमें कहा गया है कि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं ए के अनुपात में होती हैं। यानी कि अगर संगत कोण बराबर हैं तो संगत भुजाएं हमेशा अनुपात में ही होंगी, और संगत भुजाएं भी अनुपात में होगी यानी कि समानुपाती होंगी, तो इसका मतलब त्रिभुजें समरूप होगी। तो पहले तो हम तीनों पहली त्रिभुज के तीनों कोणों को दूसरी त्रिभुज के तीनों कोणों के साथ चेक करते थे कि बराबर है कि नहीं, और फिर भुजाओं का अनुपात चेक करते थे। यहाँ अब भुजाओं का अनुपात चेक करने की ज़रूरत नहीं रही। यहाँ पे कहा गया है कि अगर पहली त्रिभुज के तीन कोण दूसरी त्रिभुज के तीन संगत कोणों के बराबर हैं तो वो त्रिभुजें कैसी होंगी, समरूप होंगी, क्योंकि भुजाएं तो फिर अनुपात में ही होंगी, तो समरूप होंगी। तो इस वजह से हमें फिर भुजाओं की समानुपातिकता चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास जो कसौटी बनगी वो क्या होगी कि कसौटी का नाम हो गया एंगल एंगल एंगल, या फिर हम इसको कह सकते हैं कोण 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 कसौटी। यानी कि सीधी सी बात है कि एक त्रिभुज के अगर तीन कोण दूसरी त्रिभुज के तीन कोणों के बराबर हों तो त्रिभुजें समरूप होंगी। ये हमारे पास एंगल 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 कसौटी होगी। प्यारे बच्चों ध्यान रखोगे कि त्रिभुजों की सर्वांग समता में ये कसौटी नहीं थी एंगल एंगल एंगल, तो कि अगर तीनों एंगल एक त्रिभुज के तीन एंगल दूसरी त्रिभुज के तीन एंगल के बराबर हैं तो वो त्रिभुजें सर्वांग सम होंगी, ये कसौटी सर्वांग समता में नहीं थी, लेकिन समरूपता में ये है हमारे पास। तो सबसे पहली कसौटी हमारी होगी एंगल 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 कसौटी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से एक रिजल्ट और हम ड्रा किया गया है कि इसमें कहा गया कि एक त्रिभुज के अगर दो कोण दूसरी त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हों, अब देखो एक त्रिभुज के अगर दो कोण दूसरी त्रिभुज के दो कोण के बराबर हों तो भी जो त्रिभुजें हैं वो कैसी होंगी, समरूप होंगी। अब समरूप कैसे होंगी, अब देखो भाई अगर एक त्रिभुज के दो कोण और दूसरी त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हुए, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ तो 180 डिग्री होता है। अब एक त्रिभुज के दो कोण अगर दूसरी त्रिभुज के दो कोणों के बराबर है तो तीसरा कोण भी बराबर ही होगा, निश्चित तौर पे वो तीसरा कोण भी बराबर ही होगा, और अगर तीसरा कोण भी बराबर हो गया तो तीनों कोण बराबर हो गए, और तीनों कोण बराबर हो गए तो ए ए ए एंगल 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 कोण 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 कसौटी बन गई हमारे पास, तो समरूप हो जाएंगे। तो इस कसौटी को अगर दो कोणों के बारे में भी है तो इस कसौटी को कहेंगे हम ए ए कसौटी। तो प्यारे बच्चों अभी तक हमने दो कसौटियों के बारे में बात की है कि एक त्रिभुज के अगर तीन कोण दूसरे त्रिभुज के तीन कोणों के बराबर हो तो उसे हम एंगल 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 या कोण 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 कसौटी कहेंगे, और इससे त्रिभुजें कैसी होंगी, समरूप। ठीक इसी तरह से अगर दो कोण भी बराबर हों एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के तो भी क्या होगा, तीसरा कोण भी अपने आप बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से भी दोनों त्रिभुजें आपस में कैसी हो जाएंगी, समरूप हो जाएंगी। तो इसके लिए दूसरी कसौटी होगी हमारे पास एंगल एंगल कसौटी। आगे एक और नियम के बारे में बात करते हैं। प्यारे बच्चों जितने भी परिमेय यूज हो गए यहाँ पे हम अपने अगले वीडियो में उनका सबको प्रूव भी करें। यहाँ पे हमारे पास है यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरी त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे अब कहा गया है, देखो पहले क्या कहा गया था कि अगर कोण बराबर हैं तो भुजाएं समानुपाती होती हैं तो इस वजह से समरूप होंगी। अब की बार कहा गया है कि अगर भुजाएं समानुपाती हैं तो कोण बराबर होंगे। अब भुजाएं समानुपाती होगी कोण बराबर होंगे तो त्रिभुजें कैसी हो जाएंगी, समरूप हो जाएंगी। तो अब की बार क्या कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, भुजाओं का। यानी कि अगर भुजा ए बी डी ई के बराबर है, बी सी ई एफ के बराबर है और ए सी डी एफ के बराबर है, रिपीट कर रहा हूँ गलत हो गया थोड़ा सा, बराबर नहीं है कि ए बी के बटे में डी ई, बी सी के बटे में ई एफ और ए सी के बटे में डी एफ, अगर ये बराबर है यानी कि समान अनुपात में है तो फिर त्रिभुजें कैसी होंगी, समरूप होंगी। और इसको हम अब की बार देखो हमने क्या यूज़ किया, भुजाएं यानी कि साइड यूज़ किए, तो साइड 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 भुजा
भुजा भुजा कसौटी हम इसको कहेंगे, इसको हम कहेंगे भुजा 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 कसौटी। तो ये हमारे पास तीसरी कसौटी होगी। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद एक और है हमारे पास। इसमें कहा गया है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरी त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक त्रिभुज का एक कोण, मान लो कोण ए कोण डी के बराबर है, तो इस कोण के अंतर्गत भुजा कौन सी हुई, ए बी और ए सी, इधर कौन सी हुई, डी ई और डी एफ। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर कोण ए और कोण डी बराबर हैं, एक बात, और इस कोण के अंतर्गत जो भुजाएं हैं हमारे पास ए बी यहाँ पे ए बी बटे में यहाँ से डी ई दोबारा से लिख देता हूँ, और भुजाओं की अगर बात कर रहे हैं तो कोण तो कौन सा था, कोण ए बराबर है कोण डी। इसी प्रकार कोण ए कौन कौन सी भुजा से बना, ए बी और ए सी से। इसी प्रकार भुजा ए बी इसके बटे में डी ई बराबर हो ए सी बटे में डी एफ, तो वो त्रिभुजें कैसी होंगी, समरूप होंगी। यानी कि एक कोण दूसरी त्रिभुज के एक कोण के बराबर है और वो जो कोण जिन भुजाओं से बना है ए बी ए सी और इधर डी ई और डी एफ, अगर ये समानुपाती हैं तो त्रिभुजें कैसी होंगी, समरूप होगी। अब देखो यहाँ पे एक कोण यूज़ हुआ और दो भुजाएं यूज़ हुई, तो यहाँ पे हमने क्या ये कहा इसको एस ए एस साइड एंगल साइड कसौटी, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, अगर आप इसको कहना है कि यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरी त्रिभुज की दो भुजाओं के समानुपाती हों तथा उनके बीच के कोण बराबर हों। दोबारा से बोल रहा हूँ कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरी त्रिभुज की दो भुजाओं के समानुपाती हों तथा उन भुजाओं के बीच में बना कोण बराबर हों तो वो त्रिभुजें समरूप होती हैं। तो यहाँ पे इस कसौटी को हम बोलते हैं एस ए एस या फिर भुजा कोण भुजा कसौटी। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 के लिए जो बेसिक आपको इन रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मुख्य तौर पे पांच बातें आई हैं, अगर उनको हम रिवाइज करें, सबसे पहली बात समरूपता का निशान, समरूपता का निशान हमारे पास ये हमारे पास समरूपता का निशान है। दूसरी बात, दो त्रिभुजों की समरूपता चेक करने के लिए अब हमने चार कसौटियों की बात की है। पहली कसौटी है हमारे पास ए ए ए, यानी कि एक त्रिभुज के तीन कोण दूसरी त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर है तो त्रिभुजें समरूप होंगी। दूसरी है हमारे पास ए ए, इसमें कहा कि एक त्रिभुज के अगर दो कोण दूसरी त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हों तो भी त्रिभुजें समरूप होंगी, क्योंकि अगर दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिकली बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि उसके तीनों कोणों का जोड़ 180 और उसके भी तीनों कोणों का जोड़ 180। इसके बाद आ जाता है एस एस एस, इसमें कहा गया कि एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरी त्रिभुज की तीन भुजाओं के समानुपाती हैं तो भी जो त्रिभुज हैं वो कैसी होंगी, समरूप होंगी। और चौथा है हमारे पास एस ए एस, यहाँ पे कहा गया कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरी त्रिभुज की दो भुजाओं के समानुपाती हों तथा उनके बीच का कोण भी बराबर हो तो भी त्रिभुजें कैसी होंगी, समरूप होंगी। तो ये पांच बातें आपको इस एक्सरसाइज के लिए ध्यान रखनी है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।